नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। नॉर्थ ईस्ट रेलवे रूट पर अब ट्रेनें चलने की बात सामने आई है, क्योंकि आज 12 तारीख है और आज से ही ट्रेनों का परिचालन होना है, जिसमें कि एक न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़ का भी रूट शामिल है। अब वो रूट कटिहार जंक्शन से होकर निकलता है, तो कटिहार जंक्शन पर पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। स्टेशन को सैनिटाइजेशन का काम जो स्टेशन पर है वो शुरू किया जा रहा है। सुनिए कि जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में। 20 मार्च से हम लोगों ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस सारा बंद कर दिया था, ताकि कोविड के स्प्रेड को हम लोग कंट्रोल कर सके। 1 मई से फिर हम लोगों ने कुछ ट्रेनें चालू किया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे हम लोग चला रहे थे, और उसमें वही लोग जर्नी कर पाते थे जिनको स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करता था कि ये लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो उस हिसाब से वही लोग जर्नी कर पाते थे। अब कल से यानी कि 12 मई से हम लोग जो है फिर से एक पैसेंजर ट्रेन्स को धीरे धीरे शुरू करने की सोच रहे हैं। तो इनिशियली हम लोग जो है 15 स्टेशनों तक न्यू दिल्ली से 15 सर्विसेज चलाएंगे, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के 2 सर्विसेज है, एक न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़ और एक न्यू दिल्ली टू अगरतला। ये 2 सर्विसेज जो है NF रेलवे के ज्यूरिसडिक्शन में चलेंगी। अब ये ट्रेनों में जो भी आदमी या जो भी पैसेंजर टिकट बुक करवाते हैं इन IRCTC ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, और जो भी टिकट लेंगे वो इस पर जर्नी कर पाएंगे। ये टिकट की ये जर्नी के लिए टिकट जो है सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे काउंटर बंद है और लोगों को हमारे स्टेशन तक आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन बुकिंग ही होगा IRCTC के साइट पे, और जो भी बुकिंग करवाते हैं और जिनके पास भी कंफर्म टिकट होगा वो लोग इस ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। किराए बारे में, ट्रेन के स्टॉपेजेस के बारे में और ट्रेन के कंपोजिशन के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन 4 बजे से ये बुकिंग स्टार्ट होने वाला है, आज 4 बजे से। उससे पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आ जाएगा, और जो भी टिकट करवाना चाहते हैं IRCTC के साइट पे उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन उस साइट पे मिल जाएगा। देखिए, इन ट्रेनों में जो भी जर्नी करते हैं उनका ये तो निश्चित किया जाएगा कि कोविड का स्प्रेड ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए। इसके लिए कुछ बातें हैं, जैसे जिन लोगों के पास कॉन्फर्म टिकट है सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टेशन में आने दिया जाएगा, बाकी किसी को स्टेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जो भी जर्नी करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फर्म टिकट के साथ स्टेशन में आएंगे, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा, और मेडिकल स्क्रीनिंग में जो एसिम्प्टोटिक पाए जाएंगे, जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा बुखार या फ्लू का, उन्हीं को ट्रैवल करने दिया जाएगा। साथ ही जो भी ट्रैवल करते हैं उनको हमेशा मास्क पहने रहना ज़रूरी है। इसके साथ ही स्टेशंस की साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन। तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के CPRO हैं शुभानंद चंद्रा, उनका बयान सुन रहे थे। कह रहे थे दिल्ली गुवाहाटी रूट पर ट्रेन परिचालन की चर्चा से जो नॉर्थ फ्रंट रेलवे यानी कि NF रेल मंडल में भी तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी कड़ी में NF रेल मंडल के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार में ट्रेनों को परिचालित से जुड़े सूचना के बाद रेल प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। अब इसी के लिए साफ सफाई एवं कटिहार रेलवे स्टेशन पर अन्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हर चीज़ को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि कटिहार रेलवे स्टेशन भी इस्तेमाल में आने वाला है। अब लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।